हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल घुमक्कड़ चंकी में। और आज मैं आपको लेके आया हूँ रोहतक। रोहतक में आपको दिखाऊंगा, आज मैं मस्तनाथ बाबा जी का मेला लगा हुआ है। और बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के बैक साइड में जो बाबा मस्तनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे ये मेला लगा हुआ है। मैं भी आपको लेके चलूँगा मस्तनाथ। आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, बहुत ही भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। आप देखते रहिएगा, मैं आपको लेके चलूँगा मस्तनाथ मंदिर के अंदर और यहाँ की चहल पहल दिखाऊँगा। और देखेंगे, हम चलते हैं अभी मंदिर के अंदर और आपको दिखाता हूँ मंदिर के दर्शन। दोस्तों, यह मेला हर साल लगता है और ये आप सामने देख रहे हैं बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। देखिए, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा रखी है यूनिवर्सिटी को, दुल्हन की तरह। देखिए, लाइटिंग ही लाइटिंग और सजावट तो क्या कहना, इतनी ज़बरदस्त सजावट। ये देखिएगा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी को कैसे सजा रखा है। इतनी प्यारी लग रही थी ये रात में कि जिसका कोई भी अनुमान नहीं। ये मंदिर बाबा मस्तनाथ का मठ, ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये है मेन मंदिर। इसका निर्माण बिल्कुल अभी हुआ है और ये मंदिर के बाहर जो आपको चहल पहल, मंदिर के बाहर रोड के ऊपर, ये सामने बच्चों के झूलने का, छोटे छोटे बच्चों के जो जंपिंग वाला आता है वो लगा हुआ है। ये मेन अंदर मंदिर के अंदर जाने का रास्ता, गेट नंबर 2 श्री मस्तनाथ मठ की अंदर के जाने का रास्ता है। और ये रोड के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके का जाम लगा हुआ है। एक्चुअली में मेन हैवी व्हीकल बस वगैरह को तो पीछे से ही बाईपास की तरफ से मोड़ के रास्ता दिखाया गया था। और अब हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर की तरफ, मेन द्वार से अंदर की तरफ। चलिए लेके चलता हूँ आपको मंदिर के अंदर की रौनकें और मेला का नज़ारा दिखाने। जैसे ही अंदर एंट्री किया और लेफ्ट हैंड पे ये मंदिर के प्रसाद के लिए स्टॉल लगे हुए थे। यहाँ से आप जो भी आपने मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है और अपने घर लेके जाना है, यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। ये रेडियां लगी हुई थी जिन पर फोन पे वगैरह की फैसिलिटी भी थी कि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये खाने पीने की कुछ रेडियां थी और अंदर तो बहुत ही ज़्यादा खाने पीने की आइटम्स थी। ये आप अभी देख ही रहे हैं खाने पीने की। और ये चहल पहल अभी ये स्टार्टिंग है, अंदर बहुत ही बड़ा मेला था ये। एक्चुअली मैं खुद फर्स्ट टाइम विज़िट किया था, हालांकि मैं बाहर से हर साल निकलता हूँ जब मेला लगा होता है, लेकिन इस बारी मैंने फर्स्ट टाइम अंदर विज़िट किया था। और ये हमारे जो प्रसाद की रेडी लगी हुई है, इन भैया जी ने स्पेशल बोल के कहा कि ये देखिए एंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ के। देखिए पूरे मेले के अंदर ये चीज की आवाज सुनाई दे रही थी। और ये जो है मठ मंदिर, जो जिसका निर्माण इसी वर्ष में हुआ है, ये इसी साल बना है मंदिर। ये मंदिर इतना भव्य लग रहा था, इतना जबरदस्त मंदिर लग रहा था। लाइटिंग से इसकी जो रोशनी है, चार चांद ही अलग लग गए थे। और ये कुछ झूले बच्चों के बहुत, मैं भी आपको आगे झूले सेक्शन में स्पेशल लेके चलूँगा। ये दूर से ओवरव्यू दिखा रहा हूँ आपको, मैं झूले के अंदर आपके स्पेशल ओवरव्यू में लेके चलूँगा, आपको लेके चलूँगा आगे। अभी ये बाहर से देखिएगा किस तरीके का मेला, देखिए कितना बड़ा मेला है। बाबा मस्तनाथ मठ स्थल भोर रोहतक, ये मंदिर इसी बारी शुरुआत हुई है इसकी। अभी ये बना है, अभी भी थोड़ा सा अभी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी बाकी है, लेकिन देखने में इतना ज़बरदस्त कूल लग रहा है, इतना बड़ा मंदिर लग रहा है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर भी आपको लाइटिंग में कितना प्यारा मंदिर लग रहा है ये।
मंदिर के बाहर LED लगी हुई है जिसमें आप दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के अंदर बाबा बालकनाथ जी जो कि गद्दी निशीन है यहाँ के, उनके दर्शन कर रहे हैं, जो कि हमारे अलवर से सांसद भी हैं। ये अंदर के दर्शन हो रहे हैं, जो मंदिर के अंदर है उसकी LED बाहर भी लगी हुई है, क्योंकि मंदिर में भीड़ बहुत थी तो हम लोग भी अंदर तो जा नहीं पाए। हमने भी यहीं से ही दर्शन किए और महात्माओं बहुत सारे गुरु सब साधु संत बहुत लोग जो है यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। देखिएगा आप दर्शन कर रहे हैं, कितने प्यारे दर्शन हैं। जय श्री बाबा मस्तनाथ जी की जय। और मेला हो और ढोल नगाड़े ताशे ना बजें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जैसे ही हम मेले में थोड़ी आगे बढ़े, और ये अपने हरियाणा में डांस देखिएगा, ये देखिएगा हरियाणा वालों का डांस, और वो भी रोहतक का डांस देखिए कितना ज़बरदस्त। कुछ भी कहीं पे भी डांस करने लग जाते हैं, देखिएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये अपना ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और जिसका बहुत ही आनंद ही अलग था। ये देखिएगा इनका बजाने का कुछ स्टाइल भी अलग था, और ये देखिएगा ये बजाए रहे हैं, ये देखिएगा वाह जी वाह जबरदस्त जबरदस्त। और खूब इंजॉय आया मेले के अंदर, आप भी देखिएगा, आप भी होप सो आपको भी आ ही रहा होगा कि किस तरीके का क्या मेला था। मेरा पर्पज़ यही था कि आप लोगों को मैं मेला दिखाऊँ कि किस तरीके से कैसे लोगों ने इंजॉय किया, और हम लोग भी कैसे गए यहाँ पे और हमने भी कैसे इंजॉय किया। और ये बाबा मस्तनाथ जो अपना यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की आयुर्वेदिक चिकित्सालय वालों ने कुछ अपने शिविर वगैरह लगा रखे थे, जहाँ पे लोगों के उपचार वगैरह के लिए जो दवाई वगैरह है और सब कुछ जो भी इनकी दवाई है, जो भी रोग वगैरह है, उनके लिए फ्री चिकित्सा का शिविर लगा रखा था। आप यहाँ पर आके अपना चेकअप वगैरह भी करवा सकते थे। और ये अंदर के मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरीके से चमका रखा था। और ये जो वो रास्ता है जो मैंने अभी आपको नए वाला भव्य मंदिर दिखाया था, ये उसकी एंट्री गेट है। यहाँ से आप मंदिर के अंदर एंट्री करके जा सकते हैं। खैर भीड़ बहुत थी अंदर एंट्री के गेट पे, इसीलिए हम जा नहीं पाए और हमने बाहर से ही दर्शन किए। और बाहर से ही दर्शन करके दर्शन आशीर्वाद प्राप्त किया। ये भीड़ देख सकते हैं, भीड़ को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का क्या नज़ारा रहा होगा कल का। सब तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग, और इतना चमक रहा था इसका कोई अंदाज़ा नहीं कि सामने कितना प्यारा लग रहा है। दो बड़े बड़े घंटों को ये पर्सन ये लड़का ये बजा रहा था, और वहाँ पे जो इनकी आवाज़ कानों में गूंज रही थी उसका कुछ अंदाजा ही नहीं लगा सकते हम कि कितनी प्यारी आवाज़ लग रही थी। इसके बाद फिर हम आए अपना झूला सेक्शन में। झूला सेक्शन में आने के बाद ये देखिएगा कितनी भीड़, और देखिए किस तरीके के झूले हैं। ये ऊपर से 360 बिल्कुल 360 टर्न ले रहा है, और खूब बहुत ही भीड़ जो थी झूला सेक्शन जो अपना एंजॉय कर रही थी दुनिया, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी हर एक झूले पे। ये देखिएगा फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए, वाह जी वाह बहुत ज़बरदस्त। और ये लव ये देखिएगा कितना एक मतलब कितना प्यारा लग रहा है ये चलता हुआ अभी। तो ये सब व्यवस्थाएं कल, ये देखिएगा ये ऊपर जा रहा है, ये देखिएगा बिल्कुल इतने बड़े बड़े झूले थे, मीन्स बहुत ही बड़ा मेला था ये दोस्तों। ये मेला जो है साल में 3 दिन लगता है और हर साल लगता है, इसीलिए इसको सालाना मेला का नाम दिया गया है, क्योंकि साल के अंदर 3 दिन लगता है और ये बाबा मस्तनाथ मठ के अंदर ही लगता है और हर साल ही लगता है, इसलिए बहुत इस बार ही कुछ मैं पहली बार गया था या तो ये हो सकता है, और या फिर हर साल ही इतनी भीड़ होती है। मे भी इस बार ही जो हमारा मंदिर का निर्माण था वो नया नया था, और बहुत ही अच्छे से जो है लाइटिंग व्यवस्था बहुत प्यारी थी, तो
ये देखिएगा ऊपर से बच्चे, देखिए जुल्लो का मतलब देखने में ही कुछ इस तरीके का लग रहा है कि काश हम भी इसके ऊपर बैठे होते, लेकिन लाइनें बहुत लंबी थी, हम लोग इसका झूला का एंजॉय कर नहीं पाए। ये देखिए बिल्कुल ऊपर से धोते हुए निकल रहा है, इतनी तेज झूले, सब लोग झूल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने खैर बाहर से एंजॉय किया, हम लोग बैठे नहीं। ये देखिए बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के भी झूले थे, बच्चे देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ऊपर से आ रहे हैं। और ये देखिएगा छोटे छोटे बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों झूलों के लिए अलग से एक जो है काउंटर, टिकट के लिए काउंटर, हर झूले के बाहर एक काउंटर लगा हुआ था जहां से आप टिकट लेके और फिर एंट्री कर सकते हैं। और ये सामने गन पॉइंट था, गन पे आपको गोली वगैरह मिल रही थी और आपने इसको शूट करना था और बैलून वगैरह का निशाना लगाना था। निशानेबाजी भी हमारे को यहाँ देखने को मिली। और ये देखिएगा ये जो है वो सामने जो दिख रहा है आपको, ये एक टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट लेके पर्टिकुलरली झूले के अंदर जा सकती है। ये 360 का जो मैं अभी आपको दूर से दिखा रहा था, 360 का जूम इन वर्जन, तो आप बिल्कुल पास से 360 झूले को देखेंगे। ये ऊपर तक जाएगा बिल्कुल कम्प्लीटली, ये देखिएगा ऊपर तक घूमेगा ये पूरा का पूरा, ये देखिएगा इसके अंदर सवारी है। दोस्तों ये है वो काउंटर जहाँ से आप टिकट ले सकते थे और अंदर बोर्ड वगैरह जितना भी स्विंग वगैरह लेना है आप कर सकते थे। और खाने की बात हो और पिज़्ज़ा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें खाने पीने की भी बहुत आइटम दिखी, देखिए पिज़्ज़ा भी गया और ये भेल पूरी और कोल्ड ड्रिंक और ये आपका कैंडी बच्चों की, पॉपकॉर्न, आइसक्रीम, सब कुछ ही खाने की बहुत ज़्यादा स्टॉल थे, इतने स्टॉल थे जिसको मेला इतना बड़ा था कि हम पूरा कंप्लीट घूम ही नहीं पाए, बहुत बड़ा मेला था। और ये वो साउंड जो हमने फर्स्ट में दिखाया था यही वो चीज़ है जिससे तेज तेज आवाज़ आती है साउंड की, बच्चों के खेलने गए हैं। और ये आज रोहतक के जो सांसद हैं अरविंद शर्मा जी भी मेले के अंदर आए थे, और ये हमें अरविंद शर्मा जी जो रोहतक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रोहतक के सांसद हैं वो भी आए थे। ये देखिएगा आप सामने, हमें वो भी दिखे। और ये बच्चों के टॉयज वगैरह खेलने के, ओहो क्या कहते हैं, इतनी भीड़ थी। और इतना ये हमने जो स्पेशल देखा, ये अपना मातूराम जी की स्पेशल जलेबी, मातूराम की स्पेशल जलेबी, गोहाना वालों की जलेबी है, जलेबी नहीं जलेबा बोलना इसको ठीक रहेगा क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जलेबी होती है और देसी घी के अंदर बनती हैं। तो ये भी वहाँ पे खाने के लिए अवेलेबल थी, आप यहाँ से मातूराम की जलेबी जो भी है खाने के लिए आप ले भी सकते थे और अपने घर भी लेके जा सकते थे। ये देखिए शुद्ध देसी घी की जलेबी होती है। और इसके साथ ही हम फिर अपना बाहर की साइड में आए और ये कुछ खाने की बाहर भी आइटम थी और ये भुजिया वगैरह वाला खड़े थे, तो हम आए बाहर और ये बाहर कुछ आइसक्रीम वगैरह। और ये रोड से आप देख सकते हैं, रोड के जाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेला कितना ही बहुत ही बड़ा मेला होगा। और ये चारों तरफ में मस्तनाथ यूनिवर्सिटी और मस्तनाथ स्कूल फैले हुए हैं, लाइटिंग ही लाइटिंग थी और देखने का नज़ारा ही अलग था। ये बाबा मस्तनाथ जी की प्रतिमा जो हम रोड के ऊपर से निकलते हैं वो हमें दिखती है क्योंकि हम दिल्ली वाली साइड से आए थे और रोहतक वाली साइड जा रहे थे, तो इसीलिए ये हमें लास्ट में कवरिंग हुई क्योंकि भीड़ बहुत थी कि हम पहले इधर से स्टार्ट करें, क्यों ये इसी वजह से ये आप प्रतिमा देख रहे हैं बाबा मस्तनाथ जी की प्रतिमा जो रोड के ऊपर से निकलते हैं, तो ये हमें देखने को मिलती है। और लाइटिंग से आप देखिए, ये लाइटिंग बाबा मस्तनाथ जी यूनिवर्सिटी की जो सामने वाला साइड है, ये मीन्स स्कूल है जहाँ पे, वो वाला साइड देखिए, लाइटिंग ही लाइटिंग। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम अपने व्लॉग को यहीं समाप्त कर रहे हैं। होप सो आपने इंजॉय किया होगा और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।